सीबीएसआईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। हमारा टॉपिक है प्लेट अर्थिंग। पिछली क्लास में मैंने आपको अर्थिंग में 3 पॉइंट क्लियर करे थे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अर्थिंग, और थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ अर्थिंग, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। तो आज हम प्लेट अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट अर्थिंग, अर्थिंग की यह विधि नमी वाले स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त है। जहाँ पर ज़्यादा नमी हो वहाँ पर हमें प्लेट अर्थिंग करनी चाहिए। इसमें लगभग 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल से 1.5 से 3 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इस गड्ढे में अर्थिंग प्लेट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थापित कर उसे अर्थिंग तार से नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अर्थिंग प्लेट के चारों ओर नमक एवं चारकोल की परतें 15 सेंटीमीटर मोटाई तक लगाई जाती है। इसके बाद गड्ढे में जल डालने के लिए एक पाइप लगाकर उसे मिट्टी से भर दिया जाता है। ये हमारी प्लेट अर्थिंग की थ्योरी है। इसके बाद हम प्लेट अर्थिंग को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कैसे हम प्लेट अर्थिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। सबसे पहले हम जमीन में 1.5 या 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं या 8 से 10 फीट जमीन से हम एक गड्ढा खोदते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं। ये प्लेट आप तांबे की ले सकते हैं या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन की। आप देख सकते हैं ये प्लेट है हमारी, जो हमारी क्या है, तांबे की बनी है। अगर हम ये प्लेट तांबे की लेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर इंटू 63 mm की होनी चाहिए। अगर हम ये प्लेट गैल्वेनाइज्ड आयरन की लेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm होनी चाहिए। तांबे प्लेट की आधी होती है। अगर हम तांबे की प्लेट लेंगे तो हमारी 60 सेंटीमीटर इंटू 63 mm की होनी चाहिए। अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट लेते हैं तो तांबे की प्लेट की आधी होती है, इसका जो डाया होता है वो आधा होता है तांबे की प्लेट से। इसके बाद हम ये तांबे की प्लेट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं और इसके चारों ओर चारकोल और नमक से भर देते हैं। जो हमारा गैप होता है उसमें हम चारकोल और नमक डाल देते हैं। फिर हम इस प्लेट अर्थिंग में, इस प्लेट से हम एक पाइप कनेक्ट करते हैं जो 90.5 mm गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होती है। इसका जो डाया होता है वो 19.5 mm गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। और इस पाइप से हम एक दूसरी पाइप जोड़ते हैं इस प्लेट से, जो अर्थिंग पाइप कहलाती है। इसका डाया 12.7 mm गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है।
इसे हम अर्थिंग पाइप बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अर्थ वायर डाल के हम प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फनल है, जिसे हम इसका यूज हम इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जाली लगी हुई है फिल्टर करने के लिए। इसमें हम समय समय पर जब कभी हमें नमी नहीं होती तो इसमें हम इसके द्वारा हम क्या है पानी डालते हैं। इसके बाद हम सीमेंट और कंक्रीट से इसके चारों ओर प्लेस्टर कर देते हैं। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद हम सीमेंट और कंक्रीट के द्वारा प्लास्टर कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लास्टर किया हुआ है और लास्ट में इसको कवर कर देते हैं, जो 30x30 सेंटीमीटर कवर, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 30x30 सेंटीमीटर होती है। ये आपका डायग्राम था प्लेट अर्थिंग का, देख सकते हैं। इसमें जो नमक और कोयला डालते हैं हम, वो नमी को बनाने लंबे समय तक बनाने के लिए डालते हैं। इसके बाद जो हमारी प्लेट अर्थिंग में आवश्यक सामग्री है वो देखेंगे। ये हमारी आवश्यक सामग्री है, सबसे पहले हमारा अर्थिंग प्लेट। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद हम एक अर्थिंग प्लेट लेते हैं जो तांबे या गैल्वेनाइज आयरन की बनी होती है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं। ये प्लेट, इस प्लेट का आकार 60x60 सेंटीमीटर तथा मोटाई तांबे की प्लेट के लिए 3.15 mm एवं GI प्लेट के लिए 6.30 mm होनी चाहिए। सेकेंड है हमारा अर्थिंग वायर, जो 8SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज गैल्वेनाइज्ड आयरन तार होना चाहिए। थर्ड है हमारा अर्थिंग GI पाइप, इस पाइप का व्यास 12.7 mm। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया अर्थिंग पाइप, जिसमें हम क्या अर्थ वायर डाल के बाहर हम अर्थिंग के लिए अर्थ वायर निकाल देते हैं। लास्ट है आपका GI यानी गैल्वेनाइज आयरन पाइप। GI पाइप का व्यास जो होता है 19.5 mm होना चाहिए। ये हमारा प्लेट अर्थिंग में जो आवश्यक सामग्री है ये होनी चाहिए। इसके बाद हमारे जो टाइप्स ऑफ अर्थिंग में था, ये थर्ड जो हमारा था रॉड अर्थिंग, उसे देखेंगे हम। रॉड अर्थिंग यह विधि सस्ती होती है तथा इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इस विधि के अंतर्गत तांबे या जस्ते की रॉड को भूमि में दबाया जाता है। ये 1 मीटर या आधी यानी हाफ लंबी तथा 12 से 20 mm व्यास की कई रॉड होती हैं, जिसमें से एक रॉड नीचे से नुकीली होती है, उसे ही काफ़ी गहराई तक ज़मीन में गाड़ा जाता है। यह रॉड जितनी गहराई तक गाड़ी जाएगी उतना ही अर्थ प्रतिरोध कम होगा। इसके ऊपर से ही अर्थ तार क्लैंप द्वारा बांधा जाता है। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये हमारी है अर्थ रॉड, जो क्या है नीचे से नुकीली होनी चाहिए इस तरह। यह हमारी सबसे सस्ती विधि है। यह हम प्रैक्टिकली तौर पे भी जब हमें प्रैक्टिकल करना होता है तो हम उस टाइम पे भी ये यूज कर सकते हैं। इस तरह की रॉड को हम क्या है नमी वाले स्थान पर गाड़ देते हैं, जो क्लैंप के माध्यम से हम क्या है वहाँ की अर्थिंग चेक कर सकते हैं। यह हमारी अर्थ रॉड है, जो नीचे से क्या नुकीली होनी चाहिए और इसके द्वारा हम क्या है क्लैंप से कनेक्ट कर देते हैं। यह हमारा
रॉड अर्थिंग था।